एक और रेडमी का नया स्मार्टफोन जो है ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, एक नया केस निकल के सामने आया जो है रेडमी 9 प्रो मैक्स स्मार्टफोन जो है पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया है। प्रियंका ने अपने छोटे भाई के लिए जो है एक स्मार्टफोन परचेज किया था, 2020 की बात है, दिसंबर की। तो उसने परचेज़ किया था, अपने छोटे भाई को दे दिया। परचेज़ करने के बाद उसका भाई जो है यूज़ कर रहा था, बट हुआ क्या कि जो है कल यह केस निकल के सामने आया कि जो है जो प्रियंका ने अपने छोटे भाई को स्मार्टफोन परचेज़ करके दिया था वह स्मार्टफोन जो है ब्लास्ट हो गया। सो ब्लास्ट कैसे हुआ कि जो है उसके छोटे भाई ने, प्रियंका के छोटे भाई ने जो है उस स्मार्टफोन को जो है टेबल पर रखा था और सडनली देखते हैं कि जो है उस टेबल पर से जो है धुआं निकल रहा, और जब देखते हैं धुआं कहाँ से आ रहा है तो देखते हैं कि जो है स्मार्टफोन से जो है धुआं निकल रहा है। तो प्रियंका क्या करती है कि जो है उस स्मार्टफोन को जो है बाल्टी के पानी में जो है उसे डुबो देती है। तो क्या होता है कि ये थोड़ी देर बाद जो है वह स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से क्रैक हो जाता है और अंदर जो बैटरी जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। पूरा कुछ इस तरह का हाल हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, कुछ इस तरह हाल हो जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के सामने आते रहते हैं। अभी रेडमी नोट 6 के बारे में हाल फिलहाल न्यूज़ निकल के सामने आया था, रेडमी नोट 7 के बारे में निकल के सामने आया था, प्रो के बारे में निकल के सामने आया था। गुजरात का रहने वाला था जो है बंदा, उसका भी जो है स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया था। जो है स्वामी ये बोल रही थी, रेडमी वाली कंपनी ये बोल रही थी कि जो है हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, जो भी गलती है यूज़र की गलती है, कस्टमर की गलती है, उसने जो है कुछ ज़्यादा प्रेशर डाला होगा स्मार्टफोन पर, लाइक वो ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, हद से ज़्यादा जो है स्टोरेज फुल किए होंगे, फिर अलग चार्जर से जो है चार्ज किया होगा, इसीलिए जो है स्मार्टफोन जो है डैमेज हुआ। तो यहाँ पे जो है कंपनी अपने ऊपर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसने बोला कि जो है कस्टमर की ही जो है इसमें गलती। हालांकि कंपनी ने जो है ट्वीट करके कहा कि जो है स्मार्टफोन को लाया जाए सर्विस सेंटर में, उसके बाद देखा जाएगा, उसकी जगह पर जो है एक नया स्मार्टफोन जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर दे दिया जाएगा। सो ऐसे हर एक केस में नहीं होता कि जो है सबको स्मार्टफोन कंपनियाँ जो है स्मार्टफोन बांटते रहेगी, आप फोड़ते रहे दगाते रहे उसके बाद हर एक कंपनी आपको स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देगी, ऐसा हर केस में नहीं होता। प्रियंका केस में हो गया बट सबको नहीं मिलता है। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो है आप अपने स्मार्टफोन को अच्छे से यूज़ कीजिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, नहीं तो स्मार्टफोन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, ऐसे चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। गर्म जगहों पर मत लेकर जाइए, दूसरे कंपनी के चार्जर से चार्जिंग मत कीजिए, ज़्यादा चार्जिंग भी मत रखिए, जैसे 98% चार्जर फिर भी आप उसे चार्ज पर लगाए हुए, ऐसे कोई भी इस तरह की गलतियाँ आप मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ खुदरा खास्ता ऐसा हो सकता है। सो आप एहतमाम रखिए तो आप बहुत कुछ हो जाएगा। सो आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्मार्टफोन के बारे में बताता रहता हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड किस टॉपिक ऊपर वीडियो बनाया जाए, आपका जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।